Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to do the another part of chapter number 2, control and coordination in animals and plants. ये unit number 2 का second chapter है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं human brain के बारे में. So इसमें हम लोग अभी तक nerve cells और neurons का basic structure और उसका function हम study कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन की. तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क वो भी पूरा पढ़ लिया है. अगर आप की उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, सो यू कैन गो देयर एंड हैव अ लुक. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन ब्रेन. तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. सो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन में एक तो ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कोड आता है, ठीक है. सो ह्यूमन ब्रेन जो है, ये ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कोड और ब्रेन मिलकर किसका हिस्सा है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS. सो CNS में हम लोग कर चुके हैं कि वो क्या करते हैं, वो सारे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, सारे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है. सो लेकर कौन जाता है उनके तक, स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं वो लेकर जाती हैं. और अगर हम लोग ब्रेन की बात करें तो जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, बट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लाइक दे आर प्रोटेक्टेड, उसके आसपास ना एक बॉक्स होता है, ठीक है, बोनी बॉक्स जिसे बोला जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टर्म, बोनी बॉक्स, और उसे क्रेनियम भी कहा जाता है. तो जो ब्रेन है वो एक फ्लूइड फिल्ड बैलून में पड़ा होता है ताकि उसको शॉक ना लगे. इट्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर. जो हमारा ब्रेन है वो एक फ्लूइड फिल्ड बैलून में पड़ा होता है इनसाइड द बोनी बॉक्स. यानी कि ब्रेन के आसपास तीन कवरिंग होती हैं, जो पूरा बॉक्स होता है उसको क्रेनियम बोला जाता है और अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. अगर हम उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी बैकबोन होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ओके. और ब्रेन जो है हमारा वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, सबको सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए कि इसने क्या काम करना है. ये कौन डिसाइड करेगा, ब्रेन डिसाइड करता है. सो ब्रेन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं, ठीक है, और इसको इसके अंदर बहुत सारे नर्व्स के कनेक्शंस जो आ रहे हैं मिलकर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन वापस लेके सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, तो उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है जो कि काम किसका है, ब्रेन का. सो अब अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं. सो एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं जो कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू थिंक अबाउट, क्या करने के लिए, सोचने के लिए सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है, राइट. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने देखा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है. जो ब्रेन होता है उसका काम क्या है, ब्रेन का काम है सोचना, सारी इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को पूरी, ठीक है. तो जितने कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं वो सारे के सारे थिंकिंग, जैसे कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म क्या है, थिंकिंग, वो कौन करता है, ब्रेन करता है. और स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, वो नर्व्स, उसके अंदर बहुत सारा नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जो कि इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है टू द ब्रेन और फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर बॉडी पार्ट्स, ताकि ब्रेन सोच सके और सोच के क्या प्रोसेस करके उसको कैसे हर बॉडी पार्ट को रिएक्ट करना है वहाँ तक वो सिग्नल पहुँचा सके, ठीक है. सो दिस इज अबाउट कि ह्यूमन ब्रेन बेसिक फंक्शन क्या है. अब अगर हम ह्यूमन ब्रेन को खोल के देखें, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को जब खोल के देखा गया तो उसमें पाया गया कि तीन तरह की लाइक रीजन्स प्रेजेंट है. फर्स्ट रीजन है जो मेजर हमारा ब्रेन को कवर करता है, वो होता है फोर ब्रेन. अगर आप इस डायग्राम में देखें, जो ये मेजर पार्ट है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फोर ब्रेन.
और अगर ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा पार्ट है, ये क्या है? मिड ब्रेन। और जो ये वाला पार्ट है, ये इसका क्या नाम है? हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, तीन तरह से ब्रेन के रीजन्स को डिवाइड किया गया। इसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, जितने भी वॉलंट्री एक्शंस हैं, वॉलंट्री और इनवॉलंट्री, ये दो टर्म्स इसमें आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। तो इसका मतलब ये होता है, वॉलंट्री का मतलब जो चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी कोई हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम डांस कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम लोग राइटिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वॉचिंग मूवी। सो ये सारी चीज़ें, ये हमारे वॉलंट्री एक्शंस हैं। हमारा मन चाहे तो हम करेंगे, नहीं मन चाहे तो नहीं करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड वॉलंट्री एक्शंस। बट सम थिंग्स आर लाइक कि जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, हाँ, सांस लेना, खाने की डाइजेशन हो गई। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर इनवॉलंट्री एक्शन, जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारी बॉडी करती है। सो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन मसल्स को मैसेजेस सेंड करता है, ठीक है, फ्रॉम नर्व सेल्स के थ्रू। न्यू हम लोग पढ़ा था हमने, जैसे कि राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग और क्लैपिंग, ठीक है। सो ये सारे के सारे जितने भी ये वॉलंट्री एक्शंस हैं, ब्रेन्स मसल को सेंड करता है टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द वॉलंट्री एक्शंस। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, सीएनएस और पीएनएस, जो हमने बेसिक बेसिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इनके बीच में जो कॉम्युनिकेशन, सीएनएस के बीच में जो कॉम्युनिकेशन और उसको बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, वो कौन फैसिलिटेट करता है? पीएनएस, पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। और कंसिस्ट किस किस चीज़ से बना होता है? क्रेनियल नर्व्स, जो कि ब्रेन से आती हैं, और स्पाइनल नर्व्स, जो कि स्पाइनल कोड से आती हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फोर ब्रेन के बारे में। सो सबसे पहले फोर ब्रेन में, इसको मेजर थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन बोला गया है, ठीक है। ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, इसको मेन थिंकिंग पार्ट बोला गया है। इसके अंदर कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे कि सेंसरी रीजन, एसोसिएटेड एरियाज और सेंटर ऑफ हंगर्स। सो इनका काम क्या है? सेंसरी, सबसे पहले सेंसरी रीजन की अगर हम बात करें, इसका क्या काम है? ये सेंसरी इम्पल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। किस किस सेंसरी ऑर्गन? सेंसरी इम्पल्सेस कौन से होंगे? सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, हियरिंग, स्मेल, साइट। सो जितने भी ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनसे सेंसरी इम्पल्सेस कौन रिसीव करता है? सेंसरी रीजन, ठीक है। और इन सभी को यही आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाउ टू रिएक्ट। उसके बाद एसोसिएटेड एरियाज, एसोसिएटेड एरियाज मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं बाय एसोसिएट इट्स इंफॉर्मेशन विद अदर रिसेप्टर्स। यानी कि ये सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट जोड़ कर, बाकी एक एक तो हमें सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें अदर रिसेप्टर से भी मिल गई, और कुछ हमारी प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन भी होती है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका बचपन में एक बार हाथ जला हो किसी भी गर्म चीज़ को टच करके, तो आपके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है हमेशा के लिए, कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे तो हमें चोट लगने का डर है, तो हमें ऐसा नहीं करना। सो ये क्या हो गई? ये एक प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो गई। सो इसको, और जो प्रेजेंट, अगर सपोज प्रेजेंट सिचुएशन में आप किसी गर्म चीज़ को टच कर रहे हो, तो उससे जो हमें सेंसरी इम्पल्सेस मिले, और जो पुराने वाले थे, जो हमारे ऑलरेडी ब्रेन में स्टोर्ड हैं बचपन का, उनको इकट्ठे एसोसिएट करके ये इंटरप्रेट करता है हमारा फोर ब्रेन, और आगे वापस से रिस्पॉन्स भेजता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। सो एक डिसीजन तभी बनता है जब ये सारी इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करके फिर एक आउटपुट सेंड करता है, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन हमारे मोटर एरियाज को सेंड की जाती है, जो कि हमारे वॉलंट्री मसल्स को कंट्रोल करते हैं, जिनकी वॉलंट्री मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर विद यू। सेंसरी रीजन, सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं, एसोसिएटेड एरियाज, और जगह से भी कोई अदर रिसेप्टर से भी इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी रीजन से भी जो भी इंफॉर्मेशन आई, जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन भी थी, सबको जोड़कर जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कौन करता है? एसोसिएटेड एरियाज।
ठीक है, तो ये वापस से किसको सिग्नल भेजते हैं? मोटर एरियाज को, जो किसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? हमारे वॉलंट्री मसल्स की, जो हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, ठीक है। वॉलंट्री मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करके मोटर एरियाज उनको मैसेज सेंड करते हैं कि ताकि उनको कैसे रिएक्ट करना है। देन सेंटर ऑफ हंगर, ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान करिए और नोट डाउन करते चले जाइए, ठीक है। देन सेंटर ऑफ हंगर, तो ये किस चीज़ की सेंसेशन देता है? जब आप, अगर आप खाना खाते खा रहे हो, आपको लगता है कि आपका पेट भर गया, आपको और खाना खाने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी फील्स एट सम पॉइंट, वन पॉइंट और अदर, की जब हमने कुछ खाना खा लिया और हमें लग रहा है कि हमें और खाने की जरूरत नहीं, हमारा पेट बहुत भर गया है। सो ये कौन कंट्रोल करता है? सेंटर ऑफ हंगर। और ये किस में होता है? फोर ब्रेन में। सो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, ओके। फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से, ये डायग्राम दे रखी है। इसका जो बाहर का ये आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसके अंदर एक ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, सिंगुलेट गायरस, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। उसके अंदर का जो ये पूरा पार्ट है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लिम्बिक सिस्टम। जो ये बाहर की आउटर लेयर है, इसको थैलेमस, उसके अंदर जो है वो हाइपोथैलेमस, ये एमिग्डला, ये जो ये वाला रीजन है, और ये जो इसके नीचे है, दिस इज हिपोकैम्पस। तो ये फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और इसके जो ये फंक्शंस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज अबाउट द फोर ब्रेन, जो कि ये मेजर थिंकिंग ऑर्गन है हमारे ब्रेन का, मेजर थिंकिंग पार्ट है। देन हम बात कर लेते हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की। सो मिड मिड ब्रेन जो हाइंड ब्रेन है, जितने भी इनवॉलंट्री एक्शंस हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस, कुछ भी थॉट ऑन एक्शंस, थॉट ऑन एक्शंस मतलब जिसमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, कोई भी अचानक से हुई चीज़, किसी ने स्लैप किया, लाइक आपके फेस पे किसी ने स्लैप किया, ठीक है। सो यू विल टेंड टू मूव योर नेक मसल्स टू अनदर साइड, ठीक है। दैट इज बिना सोचे समझे जो रिएक्शन होता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सो इस तरह के जितने भी इनवॉलंट्री एक्शंस हैं हमारी बॉडी में, उसको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जिसमें थिंकिंग नहीं इन्वॉल्व होते, जैसे कि सेलिवेशन, हार्ट बीट, ये इस तरह के कुछ इनवॉलंट्री एक्शंस हैं। कैसे? सेलिवेशन, हार्ट बीट, कि हमारी धड़कन चल रही है, हम लोग खा रहे हैं कुछ। सो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें मेडुला की, जो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, अगर ये हम लोग, ये देखिए, ये आपको पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ब्रेन में सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन जो है वो थ्री रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले सेरिब्रम, ये ध्यान में रखिएगा, ब्रम 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 सेरिब्रम, ये ऊपर का पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है, ये ब्राउन सा, डार्क ब्राउन सा पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज थैलेमस। और जो उसके नीचे ये ऐसे डंडा सा है, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। सो ये कौन हो गया? ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। और उसके बाद अगर हम लोग ये डार्क सा स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है, जिसको मैं अभी ऐसे कर रही हूँ, दिस इज मिड ब्रेन। और जो ये स्टेम, पूरी की पूरी स्टेम आ जाती है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बनाती है। और जो ये वाला पार्ट है, दिस इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में थ्री फर्दर डिविजन्स हो गई, ये हो गया पॉन्स, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये वाला सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन में है। ब्रम ब्रेन, ठीक है, वो फोर ब्रेन में है। बेलम वो हाइंड ब्रेन में है, ठीक है। हाइंड ब्रेन में क्या है? सेरिबेलम। और ये हमारी स्पाइनल कोड आ जाती है इसके बाद, ओके। तो जो ब्रेन की स्टेम है वो किसको मिला के बनती है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिला के बनती है। अगर हम लोग मेडुला की बात करें, मेडुला का क्या फंक्शन है यहाँ पे? वो भी हमारा इनवॉलंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। किस तरह के इनवॉलंट्री एक्शंस? जैसे कि बीपी, ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है हमारा, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सलाइवेशन, वॉमिटिंग। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस विच इज परफॉर्म, विच इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा इन हाइंड ब्रेन, ठीक है। ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग। और अगर हम लोग सेरिबेलम की बात करें,
सेरिबेलम में, जैसे कि कुछ वॉकिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, हमारे पोस्चर को मेंटेन करना, बॉडी को बैलेंस करना। सो इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं उसको कौन परफॉर्म कर रहा है? उसको परफॉर्म कर रहा है सेरिबेलम। सो ये जितने भी हमारे वॉलंट्री एक्शंस हैं, इस ये भी वॉलंट्री मतलब जो हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कौन कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन एक्शन परफॉर्म करता है? सेरिबेलम। जैसे कि वॉकिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, बॉडी को मेंटेन करना, पोस्चर को, आप चलते चलते गिरते क्यों नहीं है, बैलेंस करना, ठीक है, जितनी भी ये सारी बैलेंसिंग और ये जा सारी एक्टिविटीज़ है, इसको हमारा सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है वो कंट्रोल करता है। सो बेसिकली हाइंड ब्रेन में सम एक्शंस विच आर इनवॉलेंट्री एंड सम आर वॉलेंट्री बोथ आर कंट्रोल्ड बाय हाइंड ब्रेन, ठीक है, पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाइंड। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो एक्शन एक्शन कैसे कॉज करता है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी नर्व इम्पल्स है, ठीक है, जब भी वो नर्व इम्पल्स हमारे मसल सेल्स तक पहुंचती है, जैसे कुछ भी हुआ, सो मसल सेल तक अगर वो हमारा फर्दर पहुंच रही है, वो अपना रिएक्शन देने के लिए पहुंच रही है, तो जो हमारे मसल सेल्स होते हैं ना, उनके पास क्या कैपेसिटी है, उनकी कैपेसिटी क्या होती है कि वो अपनी शेप को अ लिटल बिट चेंज कर सकते हैं, वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं, ठीक है। सो मसल सेल्स के पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो अपनी शेप और अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं, किसके रिस्पॉन्स में, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उनके पास पहुंचता है, तो वो अपनी मसल्स को, शेप को चेंज कर सकते हैं, दे गिव मसल सेल्स अ शॉर्टर फॉर्म, ठीक है। अब वॉलंट्री मसल्स कौन से होते हैं? वॉलंट्री मसल्स वो हो गए जो मसल्स हमारे स्केलेटन से अटैच्ड हैं, वो कब कैन बी मूव, जब हम चाहें वो तब मूव कर सकते हैं। जबकि इनवॉलंट्री मसल्स, जिसको हम लोग सॉफ्ट मसल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मसल्स, ये वाले मसल्स वो होते हैं जो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। विसरल ऑर्गन्स मीन्स सॉफ्ट ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, एब्डोमिनल एरियाज हो गए, जितने भी ये सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है मसल्स, ये सारे एक्शंस इनवॉलंट्री मसल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे कॉज करता है, होप दिस इज क्लियर विद यू। हमने यहाँ पे बेसिक ब्रेन के बारे में पढ़ा, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। जो ब्रेन होता है दैट इज द मेजर थिंकिंग ऑर्गन। ब्रेन के अंदर फिर से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है। जो फोर ब्रेन होता है वो मेन रीजन है ब्रेन का जिसमें सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन मिड ब्रेन होता है, देन हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में पढ़ा हमने, थोड़ा सा सेरिबेलम के बारे में पढ़ा, जो इनवॉलंट्री और वॉलंट्री एक्शंस को हमारे कंट्रोल करते हैं। आई होप दिस इज ऑल क्लियर विद यू। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, यू कैन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई गेट बैक टू यू विद योर सॉल्यूशंस। एंड थैंक यू सो मच। लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कम बैक ऑन दिस चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड एंड यू विल सी द मैजिक हैपन्स इन योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।